पिछले चार महीने में 2 लाख बच्चे लोग सरकारी स्कूल पंजाब में छोड़ दिए, जैसे भगवंत मान पहुंचा वैसे ही छोड़ दिया। दिल्ली मॉडल सुन लीजिए, इन्होंने कहा था कि हम नए स्कूल बनाएंगे, ठीक है, 500 मॉडल स्कूल बनाने की जो कसम खाई थी, कसम खाने में माहिर है, किसी का भी कसम खा लो, अरविंद केजरीवाल किसी का भी कसम खा लेता है। मैं आपसे भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बड़ौदा का प्रेस के नाम पर कसम नहीं खाएं, क्योंकि आप सब लोगों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा झूठ बोलता है। 500 स्कूल के जगह पर सिर्फ 63 स्कूल बने, 500 स्कूल के जगह पर सिर्फ 63 स्कूल। दीनदयाल यूनिवर्सिटी के टीचर के जो है प्रोफेसर के तनख्वाह कम कर दी, एडवर्टाइजमेंट लेकिन 500 करोड़, ठीक है। अब नौकरी की बात होती है तो आते हैं कि हम नौकरी बढ़ाएंगे, नौकरी बढ़ाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी कितनी दी सुन लीजिए, नौकरी 2017 में इतने मेहनत करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया, वन बॉस, वन। उस एक आदमी को मैं जो माला पहनाना चाहता हूं, क्योंकि वो एक कौन है समझ में नहीं आ रहा है। एक 2019 में 260 और 23 2020 में जब आता है गुजरात में और बोलता है कि नौकरी देंगे, तो पूछो ना कि दिल्ली में भाई साहब नौकरी कहां है। भारत का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट 8.9% अनएम्प्लॉयमेंट यूथ दिल्ली, एवरेज इंडिया 6.3%, 6.3, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में, अगर देश में कोई भी प्रदेश में तो दिल्ली है। बट अरविंद एडवर्टाइजमेंट वाली पार्टी आपको बताएगा कि यार सब कुछ है, फोटो छाप देगा कहीं और से, कोरिया वोरिया से दिखा देगा प्रेस में। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट भाई साहब सुन लीजिए, हाईएस्ट एम्प्लॉय देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर इस देश में है, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता पूछिए, मैं तो सरकारी आंकड़े दे रहा हूं, आंकड़े को चैलेंज कर लो। रोड्स, एक भी फ्लाईओवर नया रोड दिल्ली में नहीं बना है 8 साल, नो फ्लाईओवर नो रोड्स, ओनली शीला दीक्षित कांग्रेस। नो हॉस्पिटल, दिल्ली मॉडल मोहल्ला क्लिनिक, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं है दिल्ली में भाई साहब। अब अरविंद, आपको लगता है कि ये पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, जैसे मोदी जी प्रचार करते, तो ये कहानी सुन लीजिए, शीला दीक्षित जी ने पूरे लास्ट ईयर, शीला दीक्षित के आखिरी साल में दिल्ली सरकार का एडवर्टाइजमेंट बजट 16 करोड़ था, अरविंद केजरीवाल ने 21-22 में 500 करोड़ के आसपास खर्च किए, 500 करोड़। इसलिए आपको लगता है ये झूठे हैं भाई साहब, इनके झूठ और देख लीजिए, 2021 में 300 करोड़, पंजाब में सरकार बनी नहीं 37 करोड़ तो मान ने खर्च कर दिया पूरे भारत में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, गुजरात में भी, और तनख्वाह नहीं दे पा रहा टीचर का, 37 करोड़ पहले महीने में गुजरात सरकार ने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, लेकिन टीचर का तनख्वाह के लिए जो है पैसे नहीं है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी बोलते हैं कि क्योंकि हम शिक्षा पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए बीजेपी हमारे पीछे पड़ी हुई है, हम बच्चों को देखना चाहते हैं कि वो पढ़ेंगे। बकवास आपने सुना होगा मनीष सिसोदिया का, अब सुन लीजिए आंकड़े। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो दिल्ली के 30% बच्चे लोग प्राइवेट स्कूल में थे, ठीक है, ग्रेट आम आदमी पार्टी एजुकेशन मॉडल में 42% लोग जो सरकारी स्कूल छोड़ करके प्राइवेट स्कूल में। अब बताओ क्यों, अगर इतना ही बढ़िया सरकारी स्कूल चल रहा होता तो 30 से 42% कैसे हुआ 42%। 80% दिल्ली स्कूल के प्रिंसिपल के पद खाली हैं, 80%। 70% बच्चे को साइंस की पढ़ाई नहीं होती है दिल्ली में, कहां नौकरी मिलेगा। आप बोल रहे हो ना दिल्ली मॉडल,
आज के डेट में अगर हमारा बच्चे लोग साइंस वगैरह पढ़ करके ट्वेल्थ में नौकरी अगर इंजीनियरिंग आईटीआई डॉक्टरिंग ये अगर अगर स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाएंगे तो कहाँ पढ़ाई करेंगे। 70% तो 30% जो साइंस स्ट्रीम है। दलित के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि 205 सफाई कर्मचारी हमारे दलित भाई की मौत हुई थी कोविड में, किसी को मुआवजा नहीं दिया था। इन्होंने कहा कि हर एक कोविड वॉरियर को 1 करोड़ रुपए देंगे, दलित है इसलिए नहीं दिया पैसे। 200 लोग का 1 करोड़ था क्योंकि दलित है। यहां तक मैं मैडम और ऋत्विक जी से बोलना चाहूंगा, ऐसा संस्थान से अरविंद केजरीवाल जुड़ा हुआ था जो आरक्षण के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल अपने शाखा वाका में तो है, वो अपने जगह पर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उस संस्थान के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। क्रांतिकारी मनुवादी मोर्चा, इन्होंने जो है रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए जो है आह्वान किया था, उसका हिस्सा था अरविंद केजरीवाल। आप पूछिए, क्योंकि देखिए दिल्ली से आकर के, क्योंकि गुजरात की जनता तो दिल्ली नहीं जाएगी, आपको क्या मालूम है कि क्या ढोंग रचा रहा है। उनके मंत्री गौतम जी एक अनुसूचित जाति के एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे दोस्त भी हैं, वकील हैं, उनको हटा दिया क्योंकि उन्होंने अंबेडकर जी के 22 कसम दिलवाए थे, एक कार्यक्रम में गए थे। और अरविंद केजरीवाल पुराने इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, बहुत चालाक है, एक फाइल पर साइन नहीं करता है, जेल जाएगा मनीष सिसोदिया, जेल जाएगा सत्येंद्र जैन। बाय गॉड, आप केजरीवाल को समझो, कोई एक भी विभाग उसके अंडर नहीं है, यही है खेल। मनीष सिसोदिया साइन किया, केजरीवाल का कोई नहीं, कोई जानता है कि जेल जाएगा तो मनीष जाएगा। आम आदमी पार्टी को भी जग जाना चाहिए इनके लोग, और अगर इनके कारनामे पूछना है तो कुमार विश्वास से पूछो, प्रशांत भूषण से पूछो, बताएगा।